तो काफी दिनों बाद यहाँ पे पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। जस्ट ये व्यू एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त। और देख लो बारी खोलते ही पूरा व्यू ग्रीनरी ग्रीनरी। बाय द वे वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर। फिलहाल अभी मैं जस्ट उठा हूँ, ब्रेकफास्ट किया है और अभी जस्ट मेरा थोड़ा सा हॉलीडे वगैरह है, वीकेंड चल रहा है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो अभी लेट्स सी बाहर जाते हैं कुछ वगैरह टेम्पल्स वेम्पल्स, जो नए टेम्पल्स हैं वो विजिट करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक व्लॉग बनाया है, वो वाले टेम्पल्स नहीं है, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अच्छा प्यार दिखाया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए, मोर देन 100K व्यूज़। और आज ही एक ऐसा ही एकदम मस्त वाला, आपको गारंटी देता हूँ, मस्त मंदिर टेम्पल दिखाता हूँ और उसका व्यू और आउटडोरिंग और सब नेचर वगैरह एकदम ज़बरदस्त है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कितनी बार गया हूँ लेकिन व्लॉग नहीं बनाया, तो आज सोचा कि मैं आज एक पूरा व्लॉग बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या गजब का नेचर है और क्या ही भाई मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जाते हैं। तो बस निकल गए हैं मैं और भाई और अभी ऑन द वे है और देखते हैं क्या क्या सीन चल रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा रश वगैरह हो गया, एक ये बाटला हमारे घर पे ही जा रहा है जो कि कल ही मैंने बुक किया है और बोल रहा है कि वन डे डिलीवरी होगा और ये सब आपको पता ही होगा ऑन द वे है। और यहाँ पे अब जरा सब मूवमेंट पब्लिक वगैरह दिखने लगी है, कोविड की सिचुएशन अभी डाउन हो गई है तो सर्दी हो गई है, मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया क्योंकि इसका रीज़न है मैंने कल थोड़ी ज़्यादा ही सोडा पी। आपको ये गाड़ी चाहिए? और ये हम लोग ग्रुपिंग में जा रहे हैं और मेरे मामा है और मेरे फादर है और मेरा भाई है, बिग बॉस है, और ये मैं हूँ और ये गाय है। यहाँ से जाने वाले हैं, आया 1.5 किलोमीटर फेर रहा हूँ, यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर अवे है। बोला टाइम स्लेप मजार आवाज नहीं आ। सो अभी जो रास्ता देख रहे हो एकदम पतला रास्ता है, मतलब पतला एकदम चौड़ा रास्ता है, चौड़ा भी नहीं है एकदम, मतलब पतला है जिसमें सिर्फ एक ही कार जा सकती है आ जा सकती है। तो ये रास्ता मतलब वहाँ पे वन वे ही है, वहाँ के सामने कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये वाला हम रास्ता से एंटर करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट वो हमारा जो मंदिर है, टेंपल है, जो शिव जी का है और काल भैरव बाबा का है, शनिदेव का है, उसका है यहाँ से। लेकिन आप मंदिर देखना एकदम ऑसम और अमेजिंग होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसका मैं प्रॉपर व्लॉग ही बनाऊंगा। मंदिर आ गया है, हमको यहाँ से जस्ट ऊपर जाना है। हाँ ये वाला मंदिर आ गया है। सो यहाँ से गाड़ी ऊपर पार्किंग करनी है जो कि बहुत ऊंचा है, इसलिए मैं उतर गया हूँ, तो मैं चल के जाऊँगा, बाकी ये सब बाइक लेके जाएंगे। और यहाँ पे भी जो मंदिर का काम है वो थोड़ा रिनोवेशन हवाला हो रहा है, तो ये थोड़ा मंदिर रिनोवेटिंग होगा। बहुत इरिटेट करते हो भाई तुम, कर लो। ये थोड़ा ढाल है यहाँ पे, थक जाएंगे। और यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। और पीछे एक बाइक आती हुई हमको फॉलो करती हुई, हमको तो नहीं मंदिर को फॉलो कर रही है, जस्ट देख रहे हैं। अब आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, एकदम अमेजिंग व्यू है बैक साइड का देख।
से पहले होता है शंकर भगवान का। सो ये वाला एरिया है जो खेत का एरिया है, और वहाँ पे जो एक मंदिर है वो जो भीम है, भीम पांडवों के भीम, महाभारत के भीम, उसने लात मार के बनवाया था। यहाँ पे जो अंकल जी है वो कह रहे थे, किसने बनाया था अंकल? पांडव, ये भीम है, भीम बनाया, भीम भीम, हाँ मतलब उसने लात मारी थी, क्या किया वो भीम, वो पाटू निकला और वो पानी निकला और पानी बना दी। अच्छा मतलब वो भीम ने पैर मारा और पानी निकला, वो 13 वर्ष वनवास ऊपर के रहना है, वो 12 वर्ष चला गया, वो 13वें वर्ष इधर से निकला है। अच्छा सही बात है, थैंक यू अंकल जी। तो वो हम वहाँ पे भी जाएंगे, डोंट वरी, हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये है जो मेन टेम्पल है, वहाँ पे शंकर है। ये पूरा एरिया आप देख लो, तो मैंने बोला था कि इतना अमेजिंग व्यू होगा। वो वाला जो हम दिखाएंगे वो भीम वाला, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है वो। सो ये भी आप देख सकते हो। तो ये इसका मेन गेट है इसका, और यहाँ से जो होगा वो मेन एंट्रेंस, मेन मंदिर होगा भैरव जी का और वो सवेरा का। और यहाँ पे है जो गार्डन है, वहाँ पे हम बैठेंगे। अभी मैं बाहर की साइड हूँ, क्योंकि जो वो अंकल जी ने इतिहास बताया वो ये वाला मंदिर का है, और ये हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं अंदर। सो ये अंदर का व्यू है, ये वाला अंदर का एरिया है। सो इसका मैं ट्राई करूँगा सिनेमेटिक शॉट्स लेने का। यहाँ पे झूला है, झूला से झूल सकते हैं, और मैं यहाँ पे अपने शूज निकाल देता हूँ। मंदिर बाकी एकदम मस्त है, यहाँ पे नाम लिखा है श्री काल भैरवनाथ, गुजराती में लिखा है, और ये है अंदर का है। ठीक है, जो यहाँ पे जो मंदिर था वो मेन था, जो मैंने आपको दर्शन करवा दिए, मैंने भी दर्शन किए। तो मेन मंदिर है वो यहाँ पे है, बाकी का जो है शिव जी का है, गणेश जी का, वो सब वहाँ पे। फिर वो जो मैंने पांडवों के इतिहास, महाभारत की, वो भीम की, भीम का जो पेड़ का वाला इतिहास वाला मंदिर है वो भी वहाँ पे दिखाया, वो भी वहाँ पे है ऐसा। तो फिर भी हम वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। और हम अभी गार्डन में जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट्स, सिनेमेटिक शॉट लेंगे। सो हम लोगों ने थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स लिए हैं, और स्लो मोशन थोड़ा वीडियो शूट किए हैं। बेल, जो बेल आइकन प्रेस करना है वो भी मैंने स्पेशली इंट्रो के लिए उतारा है, जो स्टार्टिंग में आपने देखा। और अभी हम यहाँ से निकल के वहाँ दूसरी ओर एक और मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे धीरे धीरे भक्तजनों आते हुए, और नॉट है, यू कैन नॉट स्विच, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा मौसम हरियाली हरियाली है, पूरी हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी है। और यहाँ से थोड़ी सुरंग वाला रास्ता आता हुआ, मतलब बहुत जो ओरिजिनल मंदिर है ना, वो उसकी कहानी अभी से शुरू होती है। हाँ, ये तो सब बनाए मंदिर थे, अभी जो मंदिर आएगा वो ओरिजिनल मंदिर होगा। यस यस, अभी जो आपको मैं फ्रंट कैमरा बोलो,
तो ये वाला एरिया है वहाँ पे है। तो ये मेरे मामा जी और फादर जी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रस्थान करते हुए, तो ये वाला जो मंदिर है वो एकदम मतलब बहुत पुराना है मंदिर, बहुत साल पुराना है और उसका इतिहास यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, गुजराती में लिखा है, जो जो भी गुजराती है वो पढ़ लेना, बाकी हिंदी वाले ट्रांसलेट कर लेना। यहाँ पे एकदम मजा ही मजा है, देखो यार सब पीस, एकदम पीस, शांति शांति। देखो ये वाली जगह बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की होगी, इसलिए मैंने प्रॉपर इसका मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ, ये फिर मैं भी दर्शन कर लेता हूँ कैमरा रख के, ठीक है। तो वो वाला मंदिर है, वो भीम वाला मंदिर है जो वो अंकल जी बोल रहे हो, और वो मैं वहाँ पे गया भी था और बहुत ही पुराना है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे नज़ारा ही कुछ अलग है, हमने तो देखा नहीं की ज़रूरत नहीं, दिख ही रहे हैं। यहाँ पे और एकदम शांत नेचर है और बहुत ही मतलब पंछियों का आवाज़ है और बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। और ये जो हमारा मंदिर है मेन रिनोवेटिंग का क्या है, हाँ ये देखो। तो फाइनली हम लोग बहुत सारे फोटो क्लिक्स करके पोर्ट्रेट मोड, ये मोड, फलाना मोड, टीम का मोड, पूरा मोबाइल पूरा जितना मोबाइल है वो सब का सब फीचर यूज करके फोटो निकाल के फाइनली हम लोग जा रहे हैं, जो कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शेयर करने वाला हूँ लैंडस्केप वगैरह में। तो भाई क्या गजब के फोटोज आए हैं, मजा ही आ गया। इंस्टाग्राम पे बहुत ही अलग है फोटो, क्या बोल रहा था, भूल गया, हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो हम लोग घर पे आ गए हैं, जस्ट फ्रेश वगैरह हुए, चिल किए, एंड आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे मैं फोटोज वगैरह बिहाइंड द सीन्स वगैरह डालता हूँ। और अभी जस्ट मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठ गया हूँ, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बातें मेरी लगती इनके दिल पे ऐसी जैसी खंजरों से, खंजरों को मारूं मैं सुधारूं इनको, जिनको बनना फन्ने का है, लिखने बैठ कलम लेके ये नशे में, इनको ये भी ना पता है इनके बनने का है। कह दिया था पहले ही की बात, ये नमक सी जख्म तुम बचा लो, नहीं तो जलेगी पक्की तेरी शक्की, ये निगाहें रखूं मेरी शक्करों पे, करता शक में ऐसे जैसे ये मेरी माशुका है। अरसों से कर रहा था जख्मों की बात में, बाद में लगता था क्यों करी बात।